चैनल नैन्सीज डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल पूरी की रेसिपी, जो बहुत सारे घरों में बनती होगी, बट मैंने जिस तरह से बनाई है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। ये पीली दाल मैंने आधा घंटा भिगो के रख दी थी। आधे घंटे के बाद मैंने एकदम वॉश करके उसके बाद मैंने इसमें कुकर में डाल दी है बॉईल होने के लिए। इसमें मैंने एक ग्रीन चिली स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। एंड ये टमाटर है वो भी मैंने स्मॉल स्मॉल, एक ही टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है वो भी स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके, और हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको बॉईल होने रख देंगे, फिर मैं दिखाती हूँ बॉईल होने के बाद। 2 कप्स ऑफ मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है और स्वाद के अनुसार नमक एंड थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको इसका आटा एकदम नहीं सॉफ्ट नहीं थिक, सेमी सॉफ्ट डो इसका प्रिपेयर करेंगे। दाल बनके रेडी हो गई है, मैंने सर्विंग के लिए बोल में ऐड कर दी है। उसमें मैंने ऐड कर दिया है सांभर मसाला एंड रेड चिल्ली पाउडर, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें काली मिर्ची एंड उसके बाद भी अमचूर पाउडर भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, और ऊपर से फिर हम इसको तड़के इस दाल में तड़का लगा देंगे। ये देखिए हमारी फुल थाली बन के रेडी हो गई है, जिसमें मैंने पूड़ियाँ रखी हैं, पूड़ियाँ फुली फुली मस्त बन मज़ेदार पूरियाँ, और इसके बाद ये पकवान रखा है जिसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ दाल पकवान की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने 2-3 दिन पहले समोसा बनाए थे, सो उसका जो आटा बच गया था उसमें से मैंने ये पकवान रेडी कर लिए थे, इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है कटा हुआ प्याज जिसको मैंने लंबा लंबा कटा, में हम नींबू ऐड करके खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये है हमारी तड़का दाल जिसके ऊपर हमने बहुत सारा मस्त मज़ेदार मसाला तड़का सारा डाल दिया है, मिर्ची तली हुई जिसमें मैंने आमचूर पाउडर एंड नमक ऐड करके नमक ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, बहुत खाने में टेस्टी लगेंगे। ये है हमारा थाली का फुल लुक। ज़रूर थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।